अभी भी उतना सम्मानित नहीं है जितना हम महसूस करते हैं। आज हमारी जो विभिन्नता है, जो हमारा काम है, जो हमारा रुतबा है, वो भी हमारे सरनेम से पहचाना जाता है और जाना जाता है। तो आखिर में कि हम कैसे साहित्य लिखें, कैसे साहित्य रचना करें, ये मौजूद सवाल है। ये मेरा पहला कवि सम्मेलन है और मैं दलित, वंचित और मूल निवासी साहित्य लिखता हूँ। जितनी भी रचनाएं लिखता हूँ, अपने समाज को उद्वेलित करने के लिए, अपने युवाओं को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए रचनाएं लिखता हूँ। तो मेरा निवेदन है, आप हास्य की कवि लिखें, गीत लिखें, गजल भी लिखें, लेकिन आप उद्वेलित करने वाली रचनाएं लिखें, अपने समाज के युवाओं को आंदोलित करने वाली रचनाएं लिखें। सबको आपका साहित्यकार होना हमें लाजिम है, मैं ऐसा मानता हूँ। हमें अपने समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महापुरुषों का इतिहास को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। मेरी एक रचना है जो 26 नवंबर जो संविधान दिवस है उस पर लिखी गई थी, और इसको मैं बहुत बड़े मंच में यहाँ बिलासपुर में प्रस्तुत किया हूँ एक ही बार, और दूसरी बार आप सबके बीच में सुनेंगे। आप देखेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए किया क्या। और चूंकि आज अम्बेडकर साहित्य अकादमी का प्रोग्राम है, तो ये तो सवाल बनता है कि अम्बेडकर पर बात होनी चाहिए और पुरुषों पर बात होनी चाहिए। भीम महान मेरी रचना है, मत भूलो उस भीम को, मत भूलो उस भीम को जिसने संविधान बनाया है, ऊंच नीच का भेद मिटाकर समता का राह दिखलाया है। मत भूलो उस भीम को जिसने संविधान बनाया है, ऊंच नीच का भेद मिटाकर समता का राह दिखलाया है। मंदिर की चौखट पर नाक रगड़ते, मंदिर की चौखट पर नाक रगड़ते, कितनी सदियां बीत गई। मंदिर की चौखट पर नाक रगड़ते, कितनी सदियां बीत गई। हजार वर्षों की गुलामी बोलो किसने खाया है, हजार वर्षों की गुलामी बोलो किसने खाया है। मत भूलो उस भीम को जिसने संविधान बनाया। छल छदम की दुनिया में, छल छदम की दुनिया में बोलो किसने सर्वस्व दिया। छल छदम की दुनिया में बोलो किसने सर्वस्व दिया। सिर उठाकर जीना सीखो, सिर उठाकर जीना सीखो, खान पान रहन सहन बदलो, नदियों की धारा चीर कर तुम बढ़ना सीखो, एक नया अध्याय लिखो। बोलो किसने सिखाया है, बोलो किसने सिखाया है, मत भूलो उस दिन को जिसने संविधान बनाया है। आज हमारी पीढ़ियां ये मानने को तैयार नहीं, आज हमारी पीढ़ियां ये मानने को तैयार नहीं, दास्तां और गुलामी की बातें सुनने को तैयार नहीं, दास्तां और गुलामी की बातें सुनने को तैयार नहीं। एक महामानव आया धरा पर, एक महामानव आया धरा पर, जिसने सबका उद्धार किया, अपने प्रिय बच्चे की तरह भारतवर्ष को प्यार किया, अपने प्रिय बच्चे की तरह भारतवर्ष को प्यार किया। रचनिया खंड संविधान, रचनिया खंड संविधान, दुनिया का बृहद लिखित संविधान। नाम दिलाई शोहरत दिलाया, नाम दिलाई शोहरत दिलाया, पद दिलाई प्रतिष्ठा दिलाया। दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, कब उसका गुणगान किया, कब उसका गुणगान किया। मन भूलो उस भीम को जिसने संविधान बनाया। रिजर्व बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना, प्रसूति अवकाश की सुविधा, अंतर जाति विवाह कानूनी मान्यता, बोलो किसने दिलवाया है, बोलो किसने दिलवाया है। वयस्क मताधिकार की पैरोकारी, एक एक शब्द में आपको संविधान दिखेगा साथियों। वयस्क मताधिकार की पैरोकारी, महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी, श्रम के घंटे रोजगार पंजीयन, चुनाव आयोग जैसी मूल्यवान संस्था की आधारशिला किसने रखी। भीम की विद्वता के समक्ष कहां कोई टिक पाया है, भीम के विद्वता के समक्ष कहां कोई टिक पाया है। मत भूलो उस भीम को जिसने संविधान बनाया है। भारतवर्ष को आदर्श लोकतंत्र का जामा पहनाया है। लाखों लोग जिस देश में आसमान तले सोते हैं, लाखों लोग जिस देश में आसमान तले सोते हैं, खाद का अधिकार मिला है तो निवाले को तरसते हैं, खाद का अधिकार मिला है तो निवाले को तरसते हैं। आज के नेता इन गरीबों के घर, ध्यान देंगे ये हुआ था, आज के नेता इन गरीबों के घर एक सांप ठहरने को बड़ा समझती है, आज के नेता इन गरीबों के घर एक शाम को ठहरने को बड़ा समझती है, उनके घरों में रात का खाना भोजन कर खुद को महान समझता है। तब रोता है मेरा भारत, तब रोता है मेरा भारत, मेरे देश की इस दशा पर, मेरे देश की जनता
वोट का मूल्य क्यों नहीं समझती है, मेरे देश की जनता वोट का मूल्य क्यों नहीं समझती है, इन भ्रष्ट नेताओं को संसद के लिए क्यों चुनती है, इन भ्रष्ट नेताओं को संसद के लिए क्यों चुनती है, जिसके लगन परिश्रम देख, जिनकी विधो में वो प्रवीणता देख, हम दुनिया का चलन सीख पाते हैं, जिनकी लगन परिश्रम देख, जिनकी विधोता प्रवीणता देख, हम दुनिया की चलन सीख पाते हैं। ज्ञान दिवस के रूप में जिनकी जयंती पूरा विश्व मनाती है, ज्ञान दिवस के रूप में जिनकी जयंती पूरा विश्व मनाता है, वही उपेक्षित है भारत में, वही उपेक्षित है भारत में जिसने भारत का मान बढ़ाया है, वही उपेक्षित है भारत में जिसने भारत का मान बढ़ाया है, मर भूले भीम को जिसने संविधान बनाया है, जिसने संविधान बनाया है, उनके तस्वीरों विचारों कर्मों को कितने लोग अपनाते हैं, उनके तस्वीरों विचारों को कितने लोग अपनाते हैं, अखंड भारत के शिल्पी का इतिहास बच्चों को पढ़ाते हैं, अखंड भारत के शिल्पी का इतिहास बच्चों को पढ़ाते हैं, झूठे अहंकार का चादर ओढ़े हो, याद रखिए, झूठे अहंकार का चादर ओढ़े हो, नाम पद प्रतिष्ठा जब धूल में मिल जाएगा, कौमें तुम्हारी गुलाम होगी फिर क्या पछताएगा, कौमें तुम्हारी गुलाम होगी फिर क्या पछताएगा। आरक्षण कटौती पर बातें उठ रही हैं, गौर करेंगे, आरक्षण कटौती पर बातें उठ रही हैं, कल ये खत्म हो जाएगा, फिर रोना और चिल्लाना तुम, फिर रोना और चिल्लाना तुम, छाती पीट पीट कर दुनिया को समझाना तुम, पीढ़ियां खत्म हुए मैंने उठाते फिर वही उठाना तुम, फिर वही उठाना तुम। मेरे मूल निवासी साथियों, जागो और संघर्ष करो, जागो और संघर्ष करो, मूल निवासी युवाओं की फौज खड़ी करो, शिक्षा की मसाल थाम कर लोगों को संगठित करो, बच्चे बच्चे को अम्बेडकर का इतिहास पढ़ा दो, जब तक सांस चले तब तक क्रांति की मसाल जला दो, अन्याय की सल्तनत को खाक करने की एक बारिश सोचा दो। आज आज आपकी संपूर्ण प्रतिष्ठा जिसके वजह से कायम है, आज आपकी संपूर्ण प्रतिष्ठा जिसके वजह से कायम है, मत भूलो उस भीम को जिसने संविधान बनाया है, मत भूलो उस भीम को जिसने संविधान बनाया है।